क्या दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के कगार पर है? क्या पुतिन का एक गलत फैसला पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? क्या अमेरिका और नाटो पुतिन की अगली चाल से घबराए हुए हैं? और क्या रूस की नई मिसाइल स्काईफॉल सचमुच दुनिया का विनाश कर सकती है? दोस्तों, 24 फरवरी 2022 वो दिन जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर एक बड़े हमले का आदेश दिया और प्रतिक्रिया पर नाटो ने तुरंत चेतावनी दी कि यह पुतिन के करियर का सबसे बड़ा गलत फैसला हो सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? उस समय नाटो को यकीन था कि रूस जल्द ही कमजोर हो जाएगा, लेकिन अब 2 साल बाद स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। नाटो खुद चिंतित है, अमेरिका की सुपर पावर स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुतिन का अगला कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है। पुतिन ने पहले कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात इतनी गंभीरता से नहीं की थी, लेकिन आज रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों के निशाने पर पूरी दुनिया है। नाटो को शायद यह उम्मीद भी नहीं थी कि पुतिन इतना आगे जा सकते हैं। आपको बता दें कि कई देशों के वैज्ञानिक रूस के सैटेलाइट इमेज डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं और उन्हें इस दौरान एक एक्सट्रीमली पावरफुल मिसाइल का पता चला है जिसमें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिसाइल, जिसे रूस ब्रेविस के नाम से जानता है और नाटो इसे ऑन ऑपरेशन स्काईफॉल कहता है, यह मिसाइल न केवल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव से लैस है बल्कि इसे न्यूक्लियर फ्यूल से भी पावर किया जाता है। यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसकी रेंज लगभग असीमित है, 24,000 किलोमीटर। दुनिया के कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह धरती के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। हालांकि इसे अब तक 13 बार टेस्ट किया गया है और केवल 2 बार यह सफल रही है, लेकिन क्या यह मिसाइल यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है? इसका जवाब बेहद डरावना है। स्काईफॉल के पास इतनी क्षमता है कि यह केवल 30 सेकंड में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भेद कर पूरे यूक्रेन को भांप बना सकती है। इस बीच चीन, जो रूस का करीबी सहयोगी है, उसने पहली बार अपनी चिंता जाहिर की है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बयान दिया कि सभी देशों को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और रूस यूक्रेन संघर्ष को बातचीत से सुलझाना चाहिए। चीन का यह बयान कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक गंभीर चेतावनी है। चीन की चिंता इस बात पर भी है कि पुतिन अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर सकते हैं। पहले रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी यह कहती थी कि वह केवल तब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब रूस पर कोई अन्य देश न्यूक्लियर हमला करे, लेकिन अब पुतिन ने धमकी दी है कि वह फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रूस पहले भी हमला कर सकता है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक नियमों का सेट होता है जिसे हर देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के लिए बनाता है। यह निर्धारित करता है कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कब किया जा सकता है। बिना इन नियमों के कोई भी देश अपने न्यूक्लियर पावर का असुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकता है। दोस्तों, इस समय दुनिया में केवल एक ही ऐसा देश है जो खुद को सुपर पावर मानता है और वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ को सुनिश्चित करता है, और वह है अमेरिका। अमेरिका की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में विशेषताएं हैं जो इसे बाकी देशों से अलग बनाती हैं। यह डॉक्ट्रिन कहती है कि अमेरिका फर्स्ट अटैक कर सकता है। अगर अमेरिका को ऐसा महसूस होता है कि कोई अन्य देश उसके हितों के खिलाफ काम कर रहा है या अमेरिका पर संभावित हमला कर सकता है, तो अमेरिका के पास न्यूक्लियर अटैक का अधिकार होता है। सिर्फ संभावनाओं के आधार पर यह नीतिगत दृष्टिकोण अमेरिका को विश्व स्तर पर एक विशेष स्थिति प्रदान करता है। लेकिन इससे वैश्विक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने की बात होगी। अमेरिका ही एकमात्र देश है जिसने इतनी खतरनाक और आक्रामक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तैयार की है। अब रूस और विशेषकर पुतिन ने भी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अमेरिका की तरह बदलने की धमकी दी है। पुतिन ने घोषणा की है कि अगर स्थिति की मांग हुई तो वह अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले कर सकते हैं। यह घोषणा उनकी डॉक्ट्रिन में संभावित बदलाव को दर्शाती है। इसके बाद हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया है कि रूस की स्काईफॉल मिसाइलें तैयार हो रही हैं। इन इमेजेस में मॉस्को से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्काईफॉल मिसाइल लॉन्च के लिए तैनात होती नजर आई है।
यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। क्या यह नाटो और रूस के बीच एक बड़ा संघर्ष छेड़ने की शुरुआत हो सकती है? और क्या दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के इतने करीब है जितना पहले कभी नहीं थी? दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति होता भी है तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारत किसकी तरफ जाता है। दूसरी ओर अमेरिका और नाटो लगातार रूस पर दबाव डाल रहे हैं। स्थिति अब कुछ भी हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगी कि दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी मानवता को तबाही की ओर धकेल सकता है। क्या रूस की स्काईफॉल मिसाइल और न्यूक्लियर हथियारों की धमकी केवल एक गीदड़ भभकी है, या यह एक वास्तविक खतरा है? क्या अमेरिका और नाटो पुतिन को रोक पाएंगे, या पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? इस संकट के बीच आपका क्या सोचना है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह मुद्दा व्यापक रूप से चर्चा में आए। दुनिया को सचेत रहना होगा।